हम लोग बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गए और हमने साथ में काम किया है, लेकिन काम पे हमारी लव स्टोरी की शुरुआत नहीं हुई थी, उससे थोड़े बाद में हुई। लेकिन जब हमारी शुरुआत हुई तब ऐसे हुई कि फिर एक साल में हम यहाँ तक पहुँच गए। वंडरफुल, द मोस्ट केयरिंग। कोई भी लव स्टोरी के पीछे एक ये मोमेंट हो जाता है जो मेमोरेबल रह जाता है, काफ़ी याद रहता है। आप लोगों के साथ कभी कुछ ऐसा? आज जब हमारी शादी हो रही थी तब बहुत सारे ऐसे मेमोरेबल मोमेंट्स थे, काफ़ी सारे लोग आए। कहाँ सबसे इंटरेस्टिंग विशेष क्या मिले आपको? सबसे इंटरेस्टिंग विशेज, एक्चुअली विशेज से ज़्यादा हमने जब वाउज पढ़े एक दूसरे के लिए वो बहुत इंटरेस्टिंग थे। बहुत इंटरेस्टिंग थी, खास करके जो वाउज मैडम जी जब पढ़ रही थी तो काफ़ी ऐसे वाउज थे जिन पे ये हंस पड़ी, तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। अभी तक हमने कुछ डिसाइड नहीं किया है, हमारे शेड्यूल के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। मैं तो अभी कुमकुम भाग्य के साथ टोटली कमिटेड हूँ और मैं अभी फ़िलहाल कुमकुम भाग्य कर रहा हूँ। केतकी जी अभी अनुपमा कर रही है, अब आगे क्या नए प्रोजेक्ट्स आते हैं वो आने वाला टाइम ही हमें बताएगा। नहीं नहीं, आई एम वेरी कॉन्शियस। ये बहुत कैमरा शाय है, बहुत कॉन्शियस है, ये जो यहाँ पे खड़े होके इंटरव्यूज दे रही है बहुत बड़ी बात है इनके लिए। थैंक यू, थैंक यू गाइस। सर, आई एम जस्ट वन कपल ऑफ